लोकतंत्र के महापर्व मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इस वक्त हम पीलीभीत में मौजूद हैं और पीलीभीत की पहचान बांसुरी से भी होती है। यहाँ पर बांसुरी बनाई भी जाती है, लोग गाते भी। हमारे साथ शमशाद अहमद साहब हैं और दिनेश जी हैं जो कि बांसुरी बजाते हैं, और भी लोग मौजूद हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि खास तौर से मतदान को लेकर किस तरह की यहाँ पर लोगों में जोश है, किस तरह के मुद्दे हैं, आप बताइए। बहुत अच्छे मुद्दे हैं और उम्मीद है कि सरकार जो हमारी आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा वोट जीतेगी। आप बताइए, यहाँ पर खास तौर से अगर हम पीलीभीत की बात करें तो बांसुरी की एक पहचान पीलीभीत से जुड़ी हुई है। बांसुरी जो है वो पीलीभीत में बनाई जाती है और बहुत काफ़ी पुराने समय से बांसुरी यहाँ पे बनती है, और बांसुरी उद्योग में पीलीभीत का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। कुछ इस मौके पर आप जो मतदाता हैं उनके लिए बांसुरी के जरिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। मधुर धुन आप बांसुरी की सुन रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे किस 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 तरह की बांसुरी बनाई जाती है और अभी क्या स्थिति है बांसुरी उद्योग की? यहाँ पर बांसुरी तो कई प्रकार की बनाती हैं, बांस की भी बनती हैं, फाइबर में भी बनती हैं, और जिनको कहते हैं मुरली वाली वो भी बनती हैं, और जिनको सीधी बांसुरी कहते हैं वो भी बनती हैं। यहाँ हर प्रकार की बांसुरी बनती हैं। बांसुरी का यहाँ बहुत बड़ा उद्योग है और आज से नहीं बरसों बरस है, इसी से पहचान की जाती है पीलीभीत की। एक बांसुरी और दूसरा चावल, दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं यहाँ की। तो क्या हालात हैं आप उद्योग के? उद्योग के हालात ज़्यादा ठीक नहीं है, मज़दूरों की मजदूरी जो है पूरी नहीं मिल पाती है। आदित्यनाथ योगी जी ने इसको बड़ा उत्साह दिया है और उन्होंने ODUP भी लगाया था उन्होंने इसके बारे में, और पीलीभीत को उन्होंने एक ये पहचान दी थी जो एक हाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उन्होंने ज़्यादा दिया था। कुछ नहीं हुआ चुनाव में, इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं आप लोग? हाँ, इस मुद्दे को भी हमने बहुत लोगों से कहा है कि ये चुनाव में मुद्दा जो है सबसे आगे से ज़्यादा होना चाहिए। तो बहुत खास बात उन्होंने कही, खास तौर से कि जो पीलीभीत की पहचान है बांसुरी से रही है, और इन चुनाव में भी खास तौर से जो बदलते वक्त के साथ बांसुरी से जुड़े जो लोग हैं उनके रोजगार को लेकर भी मुद्दा है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ मजीत नेगी।